ठीक है। सो इन द लास्ट क्लास, ठीक है, वी आर डूइंग द क्वेश्चंस, ओके। देखिए बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, नया टॉपिक मैं तभी करा सकता हूँ जब ये काम खत्म हो, ओके ठीक है। सो आई थिंक वी वर डूइंग द असाइनमेंट, कौन सा क्वेश्चन हुआ था? असाइनमेंट वन का सेवन शायद हो गया था, एट भी शायद हो गया था, नाइन हुआ था या नहीं आई डोंट नो, दस हो गया था, टेंथ, हाँ टेंथ हो गया था, ओके ओके यस आई कुड रिमेम्बर, यस। इलेवेंथ हमने शायद पहले कर लिया था, ट्वेल्थ भी कर लिया है, थर्टीन करना है, यस। असाइनमेंट वन का थर्टीन क्वेश्चन, कंसिडर अ प्लेन डिफाइंड बाय एक्स वाई जेड इक्वल्स टू टेन, इट मीन्स जेड इज कॉन्स्टेंट ओवर इट, ओके जेड इज कॉन्स्टेंट ओवर इट, तो जेड अगर कॉन्स्टेंट है तो इट वुड बी शोन लाइक दिस, इट इज एक्स वाई प्लेन, z is constant over it, this must be z direction, what is the z value, it is 10, it must be considered as large sheet, okay, so this is z direction, z ki 10 value par hai, so it must be considered as large, x, y and z, okay. So where we need to find the electricity? इसकी चार्जर से सिग्मा का वैल्यू है 20 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, 20 नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ओके। सो वी नीड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, तो चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस शीट इज पॉजिटिव, सो हियर we need to find electric field, charge density of this sheet is positive, so electric field of this sheet, because it is a positive charge sheet, downward or upward, electric field lines kaise hongi iski, agar aap yahan nikaloge upper region mein to electric field upward hoga, down region mein nikaloge electric field downward hoga, yani ki electric field lines would be normal to this sheet, तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव जेड डायरेक्शन में आएगा, कितना वैल्यू होगा उसका, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, ओरिजिन पर मैं निकाल रहा हूं, डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव जेड, किसी भी इन लार्ज प्लेन शीट, ओके जिसमें कंडक्टिंग वर्ड इस्तेमाल ना हुआ हो, कितना होता है ये होता है, सिग्मा का वैल्यू कितना है 20 नैनो, नैनो मतलब 10 to the power this minus 9 divided by, you can multiply with 2 pi and divide with 2 pi, to kitna ho jayega kul milakar denominator this, okay minus z, you know what is the value of 4 pi 1 by 4 pi epsilon naught, okay negative z, this would be the answer, solve it, this it should be plus, okay
कितना बचता है 360 हो जाएगा, 360 पाई अलोंग नेगेटिव जेड। इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट पर मीटर, बिकॉज चार्ज डेंसिटी बात गिवन है नैनो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ओके, नैनो आई हैव एडजस्टेड, ओके, नेगेटिव डायरेक्शन इसलिए क्योंकि देखो एक तरफ जा रही है फील्ड लाइंस, नेगेटिव डायरेक्शन इज ड्यू टू दिस। अगर यहां निकालते आप फील्ड, यहां मान ली जेड इक्वल्स 20 पर निकालते तो किधर होती फील्ड का डायरेक्शन, अपवर्ड प्लस जेड होता, और आप कहां निकाल रहे हो, यू आर फाइंडिंग इट एट लोअर रीजन। ओके, विच आंसर इज करेक्ट, बी। ओके, नेक्स्ट, फोर्टीन फिफ्टीन हो गया है ना, सिक्सटीन इज बेस्ड ऑन द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। What was the concept behind this? यहां पर आपको क्या करना होता है, यहां पर आपको करना यह होता है कि यहां पर कह रहे हैं कि दो इक्वल चार्जेस हैं, दो इक्वल चार्जेस हैं, क्या क्या हैं, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू, क्या क्या पोजीशंस है उनकी, एक का पोजीशन है x इक्वल्स टू माइनस ए, दूसरे का पोजीशन है x इक्वल्स टू प्लस ए। ओके, एक पार्टिकल ऑफ चार्ज मास m एंड चार्ज q इज कंस्ट्रेंट टू मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू इक्वल चार्जेस। ओके, टाइम पीरियड ऑफ अ स्मॉल ऑसिलेशन इज, अगर हम कोई तीसरा चार्ज इसके बीच में रखें यानी कि x की जीरो वैल्यू पर रखें तो हाउ मच फोर्स इट विल एक्सपीरियंस। अगर मैं कोई चार्ज यहां रखता हूं x जीरो पर, हाउ मच फोर्स इट विल एक्सपीरियंस, इसको मैं कह देता हूं a पोजीशन, इसको मैं कह देता हूं b पोजीशन, एंड इसको मैं कह देता हूं o पोजीशन। ओके, दिस इज पोजीशन o। ओके, सो Forget about this charge. फिलहाल आप इसको भूल जाइए, Forget about this charge. जिसको oscillate कराना है उसको भूल जाइए। Can you tell me what is the direction of EA? Direction of EA would be this. Okay. Direction of EB would be this. Okay? Because both are positive charges, so direction of electric field would be away. So iski field line isse away aise jayengi hum. So is point par aise point karegi. Aur iski field line aise away jayengi aur yahan par kaise point karegi aise. Okay? So jab kitne kitne distance hoga AA distance par dono ka field aapas mein cancel kar jayega. तो कौन सा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट होगा, ठीक है, तो एक्स इक्वल्स टू जीरो पोजीशन जो है इज न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग। ये लाइन जॉइनिंग जो है उन चार्जेस की, ठीक है, उस पर एक न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, अब न्यूट्रल पॉइंट से अगर हम थोड़ा सा चार्ज को राइट साइड में डिस्प्लेस कर दें, ठीक है, तो इफ वी डिस्प्लेस डिस्प्लेस द चार्ज टुवर्ड्स राइट,
towards right by a small distance x, by a small distance x, which is larger than a. Okay, अगर हम right side में इसको displace करें एक small distance से जो a से छोटा हो या बड़ा हो, मैंने गलत लिखा है, it should be very very smaller than a, बहुत कम होना चाहिए. Okay, तब electric field कितना होगा? Then electric field at displaced position. Electric field लिखिए पहले आप, फिर force लिखेंगे. पहले आप field लिखिए, फिर force लिखेंगे. Okay, confusion avoid करिए. Electric field at displaced position. मैं net electric field लिखना चाहता हूँ displaced position पर. तो वो obviously बात है, किस किस का sum होगा? Net electric field at displaced position जो होगा, वो EA प्लस EB वेक्टर होगा. ओके, तो EA कितना होगा? A चार्ज से थोड़ा सा दूर होगा. ओके, सो कितना फील्ड होगा A चार्ज का? पहले ओरिजिन तक की डिस्टेंस कितनी है? A, और उसमें क्या ऐड हो गया? राइट साइड में डिस्प्लेस किया है मैंने, लिखा है यहां पर वी हैव डिस्प्लेस दिस टुवर्ड राइट. राइट मतलब इस तरफ डिस्प्लेस किया है उसको. तो हो गया a प्लस एक्स का स्क्वायर, डायरेक्शन हो गई प्लस एक्स. ओके, देन प्लस व्हाट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड b? b से कितनी डिस्टेंस रह गई अभी? अर्लियर इट वाज a, नाउ इट विल रिमेन a माइनस x होल स्क्वायर, डायरेक्शन वुड बी नेगेटिव x, क्योंकि ये जो b वाला चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस x में जाएगा. ओके, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको इक्वेशन वन दे दीजिए. ओके, फोर्स कितना लगेगा? फोर्स, ठीक है, ये सेकंड स्लाइड है, कोई पूछ रहे हैं. ओके, तो फोर्स ऑन द पॉइंट चार्ज, ये जो चार्ज आप रख रहे हैं तीसरा लाकर, उस पर फोर्स कितना लगेगा? उस पर फोर्स लगेगा F इक्वल टू क्यू इंटू ई. कितना फोर्स लगेगा? सिंपल है, F equals to Q into E. Okay, तो ये हो जाएगा Q square divided by 4 pi epsilon naught. It would be common. One this square minus A minus X whole square X. Okay, ये force हो गया. ये तो फोर्स हुआ. ओके, फोर्स किस कंडीशन में फाइंड आउट करना है आपको? इस कंडीशन. तो यहां पर हम क्या कहेंगे? इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन ए, तब फोर्स कितना होगा? क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कॉमन डिनोमिनेटर ले लेते हैं, क्या बनेगा? ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर. ओके, और a माइनस x होल स्क्वायर में से क्या माइनस करना होगा हमें? a प्लस x का होल स्क्वायर, दिस वी शुड सब्ट्रैक्ट. ओके, तो कितना रह जाएगा फोर्स? यहां पर हम x लेस देन a ले रहे हैं, इट मींस नीचे होगा a पावर 4. x को नेग्लेक्ट कर दो डिनोमिनेटर में, ऊपर आप ओपन करेंगे तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, देन इट वुड बी माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स. ओके, व्हाट वुड बी कैंसल्ड हियर? This a and x square, a square and x square would be cancelled. So what remains? Q square over 4 pi epsilon naught. Okay, क्या बच रहा है ऊपर? Minus 4 a x divided by a power 4 x. तो
एफ का वैल्यू कितना आ गया फाइनली, माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 से 4 कैंसिल कर दो, पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू एक्स एक्स कैप। अभी किस फॉर्म में आ चुका है फोर्स, ओके इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम किससे, फ्रॉम हुक्स लॉ, व्हाट इज इट, वो कहता है एफ इक्वल्स टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो के एक्स ये होता है, ओके एफ इक्वल टू माइनस के एक्स एक्स है, ओके तो रिस्टोरिंग फोर्स किधर लगेगा ये बताता है साइन, माइनस साइन शोज दैट रिस्टोरिंग फोर्स जो लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, प्लस एक्स या माइनस एक्स, इट वुड बी माइनस एक्स। तो कंपेयर करिए फोर्स कॉन्स्टेंट कितना आ गया, फोर्स कॉन्स्टेंट के या स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट भी कहते हैं, कितना आया क्योंकि ये स्प्रिंग टाइप का मोशन है, ये हमारा के आ गया फोर्स कॉन्स्टेंट इक्वेशन नंबर 5। तो टाइम पीरियड कितना हुआ, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन टी आ गया 2π/ओमेगा, ओके टी 2π/ओमेगा कितना होगा अंडर, तो ये हो गया टी पाई बाय अंडर रूट एम बाय के, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू होता है अंडर रूट के बाय एम, ओके तो कितना हो गया 2π अंडर रूट, मास कितना दिया हुआ था उसका क्वेश्चन में, मास दिया हुआ था एम, कितना हो गया मास डिवाइडेड बाय कितना है के, क्यू स्क्वायर नीचे आ गया और ऊपर क्या आ गया पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, दिस इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो विच आंसर इज करेक्ट, ये बन रहा है 2π/क्यू बनेगा, एक ए बाहर ले सकते हो आप ए स्क्वायर को, ये क्या बच रहा है हमें 2π/a/q पाई एप्सिलॉन नॉट ए एम, आई थिंक डी है, आई थिंक डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो आप देख सकते हैं कि हम किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में किसी एक चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करा सकते हैं, पॉइंट चार्ज को हम रिंग की एक्सिस पर भी ऑसिलेट करा सकते हैं, उसका टाइम पीरियड भी हम निकाल सकते हैं, हम फोर चार्जेस के बीच में भी ऑसिलेट करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, यू नीड टू फाइंड आउट फर्स्ट स्टेप इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा स्टेप फोर्स, और फोर्स भी किस तरह एडजस्ट करना है, फोर्स नीड टू बी एडजस्टेड सच दैट कि फोर्स किसके ऊपर फोर्स आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट की पहली पावर की, अगर आपको इससे ज्यादा मतलब हायर ऑर्डर की पावर्स मिल रही हैं, मान लिया एक्स स्क्वायर मिल रहा है, एक्स क्यूब मिल रहा है फोर्स में ऐसे करके, तो इन पावर्स को नेग्लेक्ट करना है, नेग्लेक्ट दीज पावर्स, इन पावर को हटाना है, अगर आ रही है कहीं पर तो बता रहा हूं मैं, अगर कोई ऐसा इक्वेशन बनता है जिसमें ये पार्ट भी आते हैं तो जस्ट इग्नोर देम, किसको लेना है आपको इस वाले, ओके ठीक है 17 हम कर चुके हैं, 18 कर लिएगा, आई डोंट नो,
Okay. Consider a set of two stationary point charges Q1, Q2 as shown in the figure. Which of the following statement is correct? एक तो है contour C. Contour C का मतलब है, contour C का मतलब है close line curve. क्लोज लाइन कर, और ये क्या है, क्लोज सरफेस. ओके, क्लोज सरफेस है और एक क्लोज लाइन कर्व है. ओके, यानी कि एक कैसा इंटीग्रल है, वन इज लाइक दिस. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक इंटीग्रल तो ऐसा है. ओके, अनदर इंटीग्रल इज लाइक दिस. क्लोज सरफेस वाला ऐसा होगा, ओके, ये कंटूर का है, कंटूर ये किसका है, सरफेस का. ओके, सो ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, क्लोज लाइन इंटीग्रल कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो. व्हाई इट इज जीरो, इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, आप जानते हैं इसका डिफरेंशियल फॉर्म, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इज, ये तो इंटीग्रल फॉर्म है, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म क्या होता है, इसी का डिफरेंशियल फॉर्म होता है कर्ल ऑफ ई इक्वल्स टू जीरो. ये दोनों इक्वेशन सेम है, ये दोनों इक्वेशन सेम है, कर्ल ऑफ ई जीरो होना या क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डीएल जीरो होना, कौन से थ्योरम से, स्टोक्स थ्योरम से. स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है, ठीक है, स्टोक्स थ्योरम सेज कि वी कैन ऑलवेज कन्वर्ट क्लोज लाइन इंटीग्रल इनटू कर्ल ई डॉट टीएल कर सकते हैं. हाँ, और इसका इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. ये कौन सी इक्वेशन है, दिस इज फ्रॉम गॉसेस लॉ. ओके, और इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म आप जानते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट. समझ रहे हैं, नहीं तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, डाइवर्जेंस. ओके, एंड क्लोज लाइन इंटीग्रल का डिफरेंशियल फॉर्म क्या है, कर्ल. ओके, तो किसी भी वेक्टर फील्ड को डिफाइन करने के लिए उसका डाइवर्जेंस और उसका कर्ल दोनों पता होने चाहिए. अच्छा, किसकी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन, ये जो कंडीशन आप देख रहे हो ये किसके लिए वैलिड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए, ठीक है, ये दोनों कंडीशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए वैलिड है, ये वाली. तो एक डिफरेंशियल फॉर्म में है, एक इंटीग्रल फॉर्म में है, मतलब एक ही है दोनों का, दे हैव द सेम मीनिंग. ओके, ये दोनों इक्वेशंस का मीनिंग सेम है. आगे चलते हैं, अब क्या कह रहा है ये देखते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू टू. ये कह रहे हैं इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्यू टू पर डिपेंड नहीं करता, डिपेंड नहीं करता. इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट, टेल मी. इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों की वजह से आएगा किसी एक की वजह से, वो आएगा दोनों की वजह से, स्टेटमेंट गलत है. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी विल बी ड्यू टू बोथ द चार्जेस. ओके, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है. आगे चलते हैं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू क्लोज सर्फेस एस इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्यू टू. वो कह रहे हैं इससे जो फ्लक्स निकल रहा है सरफेस से वो Q2 से इंडिपेंडेंट है. इज दिस करेक्ट स्टेटमेंट और रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. व्हाई करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट क्यों है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं इस सरफेस में Q2 चार्ज एनक्लोज नहीं हो रहा है. ओके, इसलिए सही है.
आगे लिखना लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज कंटूर डिपेंड्स ऑन क्यू वन एंड क्यू टू. ये कह रहे क्लोज लाइन इंटीग्रल ओके ई डॉट डीएल डिपेंड्स ऑन क्यू वन एंड क्यू टू. ये बात बिल्कुल गलत है. क्यों? भले ही इस कंटूर के अंदर ये दोनों आ रहे हो चार्ज, बट जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है. ये क्या बता रहा है? व्हाट दिस इक्वेशन इज सेइंग, दिस इज सेइंग दैट लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पाथ इंडिपेंडेंट. इसके लिए क्लोज के लिए जीरो है मतलब पाथ इंडिपेंडेंट. ओके तो ये गलत स्टेटमेंट हुआ. आगे चलते हैं. डेल डॉट ई इज जीरो एवरीवेयर. डेल डॉट ई का वैल्यू कितना है? जैसे यहां देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल डॉट ई. डेल डॉट ई वैल्यू है रो बाय एप्सिलॉन नॉट. अब ये बताइए रो जीरो है सब जगह. देखिए रो किसी पॉइंट चार्ज का रो किस तरह का होता है? किसी पॉइंट चार्ज का रो है वो इस तरह का होता है. मैं बता देता हूं दोबारा से. आपने मैंने बताया होगा कहीं पर पॉइंट चार्ज का रो किस तरह का होता है. अगर मैं कहीं ऐसे लिख देता हूं प्लस क्यू ओके डेल्टा थ्री डायमेंशनल आर माइनस ए. ये क्या बता रहा है? व्हाट इट इज सेइंग, ये किसी पॉइंट चार्ज की चार्ज डेंसिटी बता रहा है. चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, चार्ज डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट चार्ज को बता रहा है. तो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये इंफॉर्मेशन ये दे रहा है. इट इज सेइंग दैट कि प्लस क्यू चार्ज कहां रखा है. ये कह रहा है प्लस क्यू चार्ज कहां रखा है? आर इक्वल्स टू ए पर. ये इंफॉर्मेशन दे रहा है. ओके तो जब मैं इसकी चार्ज डेंसिटी ये वाली चार्ज डेंसिटी को लिखूंगा ओके ओके तो क्या लिखूंगा बताइए? इसको मैं लिखूंगा ऐसे रो इक्वल टू आई विल राइट इंफिनिटी. कब? एट टेल मी रो वुड बी इंफिनिटी. कब होगी रो इंफिनिटी? रो वुड बी इंफिनिटी एट किस वैल्यू पर? आर इक्वल टू ए. एंड जीरो कब? ठीक है जीरो एट एवरीवेयर एल्स. एवरीवेयर एल्स बाकी सब जगह क्या होगी? जीरो. ओके सिर्फ जहां चार्ज रखा है उसी जगह पर चार्ज डेंसिटी इंफिनिटी होगी और बाकी सब जगह जीरो होगी. ओके तो अब बताइए क्या ये स्टेटमेंट सही है? क्या सब जगह डेल डॉट ई जीरो है? नहीं. किन प्लेसेस पर डेल डॉट ई नॉन जीरो बनेगा? उन प्लेसेस पर डेल डॉट ई नॉन जीरो बनेगा जहां खुद चार्जेज रखे हुए. तो कितने ऐसे प्लेसेस होंगे इस डायग्राम में कि जहां डेल डॉट ई नॉन जीरो होगा? तो ये स्टेटमेंट गलत है. पहली बात तो कितने ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर डेल डॉट ई नॉन जीरो है? दो पॉइंट ऐसे हैं. कहां कहां है दो पॉइंट? चार्ज की खुद की पोजीशन पर. एक तो पॉइंट ये वाला और एक ये वाला. ये दो पॉइंट ऐसे हैं जिन पर क्या है? चार्ज डेंसिटी नॉन जीरो. तो ये एवरीवेयर वाला जो कह रहे हैं ना ये गलत है. एवरीवेयर नहीं है. ठीक है तो क्या ऑप्शन सही है? सिर्फ बी. ओके ये है. तो इस तरह आप किसी पॉइंट चार्ज की चार्ज डेंसिटी को बता सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 19.
तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू अ सर्कल ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड इन एक्सवाई प्लेन विद सेंटर एट ओरिजिन ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट 00°। ओके, तो देखो आपसे पूछ रहा है फ्लक्स, फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है जरा समझिए। You know that electric flux is calculated two ways. Calculated in two ways. Electric flux को हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो इसका यूज करके, ओके, और दूसरा इसका यूज कर। ये दो तरीके हैं, या तो हम फील्ड से निकालें या हम चार्ज से निकालें। कौन सा तरीका ज्यादा आसान होता है, आसान मतलब एकदम से जिससे आंसर आ जाए, विच मेथड इज मोर कन्वीनियंट? दिस वन इज मोर कन्वीनियंट। ओके, इसमें क्या होता है, सीधे सीधे कोई क्लोज सरफेस अगर दे रखा हो तो उसमें चार्ज एनक्लोज निकाल लो और आंसर दे दो फ्लक्स का, क्लियर है? बट ये जो है ना, ये किसके लिए वैलिड है, ये जो है या ये वाला बस, ये किसके वैलिड है? इट इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सरफेस या ओपन सरफेस? ओनली फॉर क्लोज सरफेस, है ना भाई? क्लोज सरफेस के अंदर ही तो आप चार्ज को एनक्लोज यानी कि बंद कर सकते हो, या ओपन सरफेस में भी बंद कर सकते हो, क्लोज सरफेस में भी बंद कर सकते हो बस। ओके, ओपन सरफेस में आप बंद नहीं कर सकते। ओके, ये कैसा सरफेस है? इट इज ओपन सरफेस और क्लोज सरफेस। दिस सरफेस जो ये जब रखा है सर्कल, इट इज क्लोज और ओपन, ठीक है? दिस व्हाट इज इट, सर्कल है ना ये? ओके, इट इज क्लोज और ओपन, इट इज ओपन, ठीक है? दिस सर्कल इज ओपन सर्कल, नॉट क्लोज्ड। ओपन सर्कल, तो क्या ये चार्ज को अपने अंदर बंद कर सकता है? नहीं, इट कैन नॉट एनक्लोज द चार्ज। ओके, बट आपने एक ऐसी सिचुएशन देखी होगी, ठीक है? You must have seen this type of situation. एक क्यूब था, ओके? उस क्यूब में क्या है? हमने सेंटर पर चार्ज रखा था, ओके, मान लिया ये क्यूब है, ओके, एंड वी आर प्लेसिंग अ चार्ज क्यू एट सेंटर, ओके, और आपसे पूछा गया था व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग थ्रू दिस शेडेड फेस, शेडेड फेस, है ना? इससे फ्लक्स निकालने के लिए पूछा गया था, ओके, शेडेड फेस, ठीक है? तो ये क्या एक ओपन सरफेस था, सॉरी एक क्लोज सरफेस था ये? अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, इफ आई सी ओनली दिस मच पार्ट, इज दिस द क्लोज सरफेस? नो, क्लोज सरफेस कौन था, ये फेस या क्यूब? क्यूब वाज द क्लोज सरफेस। तो मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड, मैंने निकाला था फाइव क्यूब, कितना, क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, फिर मैंने निकाला था फाइव फेस, कितना, क्यू डिवाइडेड बाय छह एप्सिलॉन नॉट, सिक्स एप्सिलॉन नॉट, ये मैंने कर दिया था। व्हाई आई वॉज एबल टू डू दैट सो सिंपली, मैं इसको इतने इजीली क्यों कर पाया, बताइए?
क्योंकि मुझे पता था कि ये जब चार्ज सेंटर पर रखा होगा तो हर एक फेस से जो फ्लक्स है वो सेम पास होगा, यही बात थी या नहीं, इसलिए मैं इसको इतने सिंपली कर पाया। ओके, बट अब क्या है, अब ये चार्ज यहां रखा है, ओके? अब मैं क्या क्यूब बना सकता हूं, क्या मैं इसको एक क्यूब का पार्ट बना सकता हूं? यस और नो, आंसर वुड बी नो। क्या मैं इसको एक सिलेंडर का पार्ट बना सकता हूं? ठीक है, यस आई कैन मेक पार्ट ऑफ द सिलेंडर। ओके, कितनी हाइट का सिलेंडर और कितनी रेडियस का सिलेंडर, कितनी हाइट एंड कितनी रेडियस का सिलेंडर, तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पर बना रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैं उसी सेम क्वेश्चन को ये मैंने यहां ले लिया पॉइंट चार्ज। ओके, कितनी हाइट का सिलेंडर है 2D। ओके, इसका रेडियस कितना है R। ओके, रेडियस है R, स्फीयर नहीं बना सकते। व्हाई वी कैन नॉट मेक इट ए स्फीयर, क्योंकि स्फीयर में ये कभी नहीं आएगा, सर्कल नहीं आएगा। सिलेंडर का एक फेस हो सकता है ना ये, एक बात और, इसको सरफेस पर ही लेना होगा आपको, अंदर नहीं, अंदर लेने का कोई फायदा नहीं, सरफेस पर आ जाए देन ओनली इट इज दिस बेनिफिशियल फॉर यू। ये ओ हो गया, माने सेंटर। ओके, अब बताइए कहां कहां से फ्लक्स पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं इसकी तो वो कहां कहां से क्रॉस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो गई। अब कहां कहां से पास हो रही है, दे आर क्रॉसिंग थ्रू थ्री सरफेसेस, कौन कौन सा, एक ये वन, दूसरा ये और तीसरा कर्व्ड। तो अगर मैं बात करूं फाई टोटल, फाई टोटल मीन्स फाई कर्व्ड प्लस Twice of pi disk, क्यों, क्योंकि दो है ना डिस्क, किसके बराबर है, किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स उसके अंदर एनक्लोज चार्ज के बराबर होता है। ये इक्वेशन आप समझ पा रहे हो, आई होप, फाई कर्व्ड प्लस टू फाई डिस्क, ओके इज दिस, ठीक है। डिस्क वाले सरफेसेस कौन कौन से हैं, वन, ओके, वन एंड टू, ओके, डिस्क कह लो या रिंग कह लो, ओके, देखिए यहां पर फाइव डिस्क किसके बराबर होगा, फाइव रिंग, वाई, ये बात सही है या नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम पास होंगी दोनों से या नहीं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स वुड बी सेम। जितनी उनसे होगी उतनी उससे होगी, ओके, फाइव डिस्क, ओके। तो क्या अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि फाइव कर्व्ड इज फाइव डिस्क, इज दिस करेक्ट,
क्या इस सरफेस से, ये जो सरफेस नीचे आप देख रहे हैं, इस सरफेस से उतनी ही फील्ड लाइन पास होगी जितनी कर्व से होगी? आंसर इज नो. देखो आप कर्व सरफेस ये देख रहे हो, ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो इंक्लाइनेशन होगा ओके वो डिफरेंट होगा, इसके ऊपर जो इंक्लाइनेशन होगा वो डिफरेंट होगा. तो ये दोनों ठीक है, ये वाला फाई कर्व फाई डिस्क के बराबर नहीं है. नहीं है तो प्रॉब्लम है. यहां क्या था, अपर सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स, लोअर से निकलने वाला, इस साइड से निकलने वाला, सब बराबर थे. दैट इज वाई 6 से डिवाइड कर दिया. तो सिलेंडर बनाने से भी कोई फायदा नहीं हुआ. यही अगर स्फीयर के सेंटर पर आ रहा होता ना, तब हो सकता था. क्योंकि आप देख रहे हैं ये जो पॉइंट चार्जेस की सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ पॉइंट चार्ज इज स्फेरिकल. और जबकि हमने गॉसियन सरफेस कैसा लिया है, ठीक है तो गॉसियन सरफेस हमने सिलेंडर लिए, ठीक है, तो इट विल नॉट वर्क. तो हमें क्या करना होगा, हमें, आप समझ सकते हैं, ये वाला मेथड हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, ये वाला मेथड हमारे लिए काम नहीं कर रहा है, ओके, नहीं कर रहा है. तो हम किसकी हेल्प लेंगे, विल टेक द हेल्प ऑफ दिस, ओके. तो अब हम क्या करेंगे उसके लिए, ओके, मान लिया ये रिंग है, इसके सेंटर से डी डिस्टेंस ऊपर इसका सेंटर हो गया, ओके. आपको मान लिया यहां से क्या करना है, फ्लक्स निकालना है इससे, ओके. तो क्या करना होगा आपको फ्लक्स निकालने के लिए, फ्लक्स थ्रू द रिंग, फ्लक्स थ्रू द रिंग, ओके. क्या होना चाहिए फ्लक्स थ्रू द रिंग, अब मैंने ये लगा दिया, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द रिंग में निकाल रहा हूं, इज दिस करेक्ट और रॉन्ग, आई हैव प्लेस्ड द क्लोज्ड, दिस इज रॉन्ग, दिस नोटेशन इज रॉन्ग, अब सही है, ओके. तो व्हाट आई रिक्वायर फील्ड, आई रिक्वायर एरिया एलिमेंट, ओके. तो हम जनरलाइज फील्ड देख लेते हैं, तो मान लिया यहां पर इस पॉइंट, यहां कोई पॉइंट ले लेते हैं, व्हाई आई एम टेकिंग पॉइंट हियर नॉट एट सेंटर, क्योंकि ये कोई जनरलाइज पॉइंट होगा. तो फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी यहां से, फील्ड लाइंस विल गो लाइक दिस, ऐसे फील्ड जाएगा, ओके. इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, और इसका नॉर्मल किधर रहेगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, नॉर्मल सेम डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन, इट वुड बी इन द डिफरेंट डायरेक्शन. इसका नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल वुड पॉइंट लाइक दिस, ओके. इसका नॉर्मल ऐसे होगा, ठीक है, नॉर्मल ऐसे होगा. तो ये किसका डायरेक्शन हो गया, नॉर्मल का, नॉर्मल मतलब डीए, ओके. अब मान लेते हैं ये एंगल कितना है, दिस एंगल इज लेस देन थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा मान लेते हैं, ओके, क्योंकि एंगल बदलता रहेगा. ये एंगल भी कितना होगा, थीटा, ठीक है. तो इससे हमारा ई डॉट डी एस किसके बराबर आ गया,
ई डॉट डी एस किसके बराबर आ गया, सरफेस इंटीग्रल ई डी है कॉस थीटा। ये बात समझ में आ गई। नाउ यहां पर आप क्या करेंगे, मतलब किससे आप फ्लक्स निकालेंगे, आपको आपको चाहिए फील्ड लाइंस कंटेन इन दिस एंटायर सर्कल। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एक वेरिएबल रेडियस का सर्कल लेना होगा, एक वेरिएबल रेडियस का सर्कल लेना होगा। ओके तो मान लेते हैं ये जो सर्कल है जो हमने लिया है इनर सर्कल, उसकी रेडियस कहां से कहां तक वेरी करेगी। इट्स रेडियस वुड वेरी फ्रॉम, इट्स रेडियस वुड वेरी फ्रॉम जीरो टू कैपिटल आर। अभी मैं इसका रेडियस स्मॉल आर ले रहा हूं। ओके तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहां। ओके इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट वुड बी क्यू डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught। मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं सर। डिस्टेंस कितनी होगी, व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये वाले डिस्टेंस, विच डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये डिस्टेंस कितनी होगी यहां से इस पॉइंट चार्ज तक की पॉइंट के लिए। इट वुड बी व्हाट, आर स्क्वायर स्मॉल प्लस डी स्क्वायर। ये तो हो गया इलेक्ट्रिसिटी इस पॉइंट पर। ओके डीएस कितना होगा, एरिया एलिमेंट, एरिया एलिमेंट क्या होगा, एरिया एलिमेंट होगा आर डी आर डी फाई। ये समझ रहे हैं आप, डिस्क का एरिया एलिमेंट लेकर काम करना होगा आप, एरिया एलिमेंट ऑफ अ डिस्क। ऑफ अ डिस्क रिंग का एरिया एलिमेंट या डिस्क का एरिया एलिमेंट एक ही बात है। अब यहां पर आप देख रहे हैं फाई के साथ कोई वेरिएशन है क्या फील्ड का, फाई के साथ वेरिएशन का मतलब समझ रहे हो, अगर मैं चारों तरफ घुमा हूं ऐसे, मतलब यहां फील्ड निकालने की कोशिश करूं इस पॉइंट पर, तो फील्ड वुड बी सेम और डिफरेंट, इट वुड बी सेम पूरे रिंग पर, क्या होगा इस रिंग पर फील्ड का वैल्यू सेम होगा क्योंकि ये सेंटर पर है, ये पॉइंट चार्ज सेंटर के ऊपर है, तो फील्ड वैल्यू इस पर पूरे पर सेम होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट 2 pi r dr, इज दिस करेक्ट और नॉट, व्हाट आई हैव रिटन, पूरी रेंज क्या होगी फाई की, एंटायर फाई रेंज इज 2 pi, सो आई हैव रिटन 2 pi r dr। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। कॉस थीटा, व्हाट इज कॉस थीटा, इसमें कॉस थीटा कितना होगा, इस ट्राइंगल में राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा कितना होगा, बेस, व्हाट इज बेस हियर, बेस इज डी, व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो तीन चीजें मैंने लिख ली यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, डीएस एंड कॉस थीटा। अब इसमें रख दीजिए इसको, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ, इंटीग्रल, इंटीग्रल आर के ऊपर आएगा क्योंकि मैंने फाई का इंटीग्रल ऑलरेडी 2 pi लिख दिया है। ओके तो सिंगल इंटीग्रल आएगा अभी, सो क्यू डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके ये तो हो गया ई का वैल्यू, डीएस का वैल्यू 2 pi r dr, कॉस थीटा का वैल्यू डी डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लिमिट इज ओवर आर, तो R का लिमिट क्या होगा, इट वुड गो फ्रॉम जीरो, मिनिमम वैल्यू जीरो, और मैक्सिमम वैल्यू कितने तक ले रहे हैं, कैपिटल R तक। तो सॉल्व इट, यू विल गेट द आंसर। ओके तो ऊपर है आर डी आर और नीचे क्या है, आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 2 pi 2 pi कैंसिल, तो क्या बच रहा है, q डिवाइडेड बाय 2 epsilon naught। ओके इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आएगी इस वाले की, किस इंटीग्रल की, आई एम टॉकिंग अबाउट r dr,
I am talking about R integral R dr divided by R square plus d square power 3/2. इसका जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा ओके वो आएगा कितना माइनस 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर करके देखो यही आएगा तो ये आएगा माइनस 1 बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कहां से कहां तक जीरो टू दिस तो कितना फ्लक्स आएगा रिंग पार्ट से क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट तो लोअर लिमिट विल बिकम पॉजिटिव ओके तो कितना हो जाएगा वो वन बाय डी आर जीरो होने पर माइनस अपर लिमिट वुड बी नेगेटिव कितना होगा आर स्क्वायर प्लस d square ओके तो इतना फ्लक्स किससे पास करेगा दिस मच फ्लक्स विल पास टू द रिंग पोर्शन ओके है ऐसा कोई आंसर कुछ छूट गया क्या कुछ गड़बड़ है क्या इंटीग्रल में अच्छा ओके 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 एक डी छूट गया है ऑलरेडी यहाँ पर एक डी था ऑलरेडी ओके तो छूट गया था कांस्टेंट ओके हाँ अब अगर डी अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो कौन सा ऑप्शन सही आएगा ए ऑप्शन इफ यू मल्टीप्लाई डी इनसाइड दैट दिस विल यू विल गेट दिस ऑप्शन ओके ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ओके ओके तो what we have calculated flux through ring ये क्या है it is the flux through ring अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाले सिलेंडर में ये जो सिलेंडर हमने 2D length and R radius का सिलेंडर बनाया ये उसका phi curved कितना होगा ठीक है फ्लक्स थ्रू ये अलग क्वेश्चन है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर कर्व्ड पोर्शन ऑफ सिलेंडर बताइए आप जानते हैं फाई कर्व्ड प्लस 2 phi रिंग या डिस्क कह लो इसके बराबर है इट इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन ओके तो phi कर्व कितना आया ट्वाइस ऑफ रिंग करो इस वाले में और इसमें से माइनस कर दो कितना हो जाएगा कितना बचेगा करने पर बताइए जरा कितना बचेगा 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा कितना क्यू डी डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर फाई कर्व्ड ये आ रहा है दिस इज फाई कर्व्ड ओके अंडरस्टूड इक्वेशन नंबर 3 अगर आप इससे निकालना चाहते हो ओके ये हो गया आपका फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस आई होप इट इज करेक्ट आई क्यू डी हाँ ठीक है उस पर आप कर सकते हैं तो सिलेंडर में दिक्कत क्यों हुई क्योंकि फील्ड लाइंस की जो सिमेट्री है
ठीक है, फील्ड लाइंस की जो सिमेट्री है, ठीक है, अच्छा टू कैंसल हो जाएगा, वेट अ मिनट, टू, हाँ टू कैंसल हो जाएगा, सही कह रहे हो, आई थिंक आप करेक्ट हैं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टाइम वी ब्रिंग इन 20 शेयर कर लिया हमने, 21 भी कर लिया है, 22 कर लिया है, 22 ओके, सीधा 33 बीच में सब हो गए, सीधा 33, 31 करना है, 31 और ये कोई सेम है क्वेश्चन ना, इसलिए छोड़ दिया था, 31 और कोई एक क्वेश्चन सेम है, 33 करना है, गिवन ए स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ओके, स्फेरिकली सिमेट्रिक चार्ज डेंसिटी दी हुई है, तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू लेकर, कहां पर, इनसाइड, inside, okay. So we take a sphere, मान लिया कोई sphere है, okay. इसके अंदर आपको field calculate करना है, आर डिस्टेंस पर, ये गॉसियन सरफेस है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, चार्ज एनक्लोज्ड इन इन गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस में चार्ज एनक्लोज्ड, ओके, कितना होगा क्यू एनक्लोज्ड इन द गॉसियन सरफेस, ठीक है, ये होगा वॉल्यूम इंटीग्रल रो डीटा, रो डीटा कितना होगा, वैसे तो हमें जीरो से स्मॉल आर लिमिट लेनी होगी, के आर स्क्वायर इज द डेंसिटी, एंड बिकॉज इट इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तो हमारा एलिमेंट क्या होगा, डीटा 4πr² dr, कितना हो जाएगा ये 4πkr⁵5, आई थिंक इट इज करेक्ट, ओके, तो ये चार्ज एनक्लोज्ड हो गया, ओके, तो फील्ड कितना हुआ गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, you know that electric field is flux is this q enclosed by epsilon naught, so e in into 4πr² equals to 4πk r⁵5, this, okay,
तो कितना इलेक्ट्रिक फील आया, 4π कैंसिल कर दो, r से r कैंसिल कर दो, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील कितना आता है, फाइनल e इन इज कमिंग आउट टू बी k r क्यूब डिवाइडेड बाय 5εn नॉट रेडियल डायरेक्शन, ये आंसर है। बट यू कैन सी दैट कहीं भी इसमें k नहीं है, कहीं भी k नहीं है, ओके, वी डू नॉट नो k, ओके, आंसर q में दिया हुआ है, टोटल चार्ज q है, तो हाउ वी कैन रिप्लेस k, क्योंकि हमें पता है जो q है, ये जो q है टोटल चार्ज q, वो किसके बराबर होगा, दैट वुड बी इक्वल्स टू जीरो टू कैपिटल r, टोटल चार्ज है उसका, ये जो है जो चार्ज डेंसिटी है रो, उसका कितना है 4πr² dr, कितना हो जाएगा ये कुल मिलाकर, ये हो जाएगा 4πk r power 5, कैपिटल आ रहा है बाय 5, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फ्रॉम हियर, के कॉन्स्टेंट कितना आया 5q/4πr/5, इसको आप उठाकर k का वैल्यू उसमें पुट कर दीजिए, तब मुझे बताइए कितना आंसर आता है, e in terms of q कितना हो गया, e in terms of q has become 5 से 5 कैंसिल, q small r cube divided by 4πε₀ r^5 radially outward, equation number 3, ये सही है, okay, so k small r cube 4πε₀ r, this ये answer सही है, okay, तो ये हमने क्यों किया replacement, ठीक है, क्योंकि हमें पता था कि इस तरह आ रहा है, ओके, ठीक है, ओके, सो ऑप्शन ए करेक्ट, ये जो डी ऑप्शन है कहां पर सही होगा, आउटसाइड, क्योंकि आउटसाइड कितना होता है फील्ड, आउटसाइड हमेशा फील्ड जो होता है वो पॉइंट चार्ज जैसा होता है, ओके, 34 आई थिंक हो गया, 34 35 भी आप जानते होंगे, 35 हो गया क्या, 39 ओके तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ओके, और हमें क्या निकालने के लिए बोल रहा है, चार्ज, विच मेथड वी वुड अप्लाई, विच मेथड वी वुड अप्लाई, ठीक है, फिर अप्लाई
गॉस लॉ कौन सा फॉर्म, दो फॉर्म है आपके पास, ठीक है, टोटल चार्ज निकालने के लिए आप या तो क्या कर सकते हैं, यू कैन अप्लाई दिस मेथड, सीधा चार्ज दे देगा, ओके, या आप ये अप्लाई कर सकते हैं, वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस ऑफ ई डी टाउ, ये दोनों ही गॉस लॉ है, ओके, तो हम कौन सा यूज करेंगे यहां पर प्रेफरेबली, किस कौन से सिस्टम में है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, कार्टेशियन सिस्टम में, और क्या है सिस्टम, सिस्टम है क्यूब, तो जब सिस्टम क्यूब है तो कौन सा मेथड ज्यादा यूजफुल रहेगा, ये वाला, क्योंकि क्यूब में कितने सर्फेसेस होते हैं, अगर सर्फेस इंटीग्रल परफॉर्म करना पड़ गया तो ये 6 करने पड़ेंगे, ओके, तो क्यूबिक सिस्टम में ये वाला बेहतर होता है, और स्फेरिकल सिस्टम अगर स्फीयर होता तो ये वाला ज्यादा बेहतर होता, ओके, सही दोनों ही है, बट कैलकुलेशन किसमें कम करनी पड़ेगी, क्यूब सिस्टम है तो डायवर्जेंस वाले में, ओके, तो करो जरा डायवर्जेंस निकालो पहले इसका, डायवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, डू इट, कितना हुआ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट टू बी एप्सिलॉन नॉट, करिए जरा, पहले वाले का डाइवर्जेंस पहले पार्ट का हो गया एक्स नहीं है उसमें जीरो हो गया, दूसरे वाले का कितना हो गया वाई है उसमें फोर एक्स रह गया, थर्ड में जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ ई आ रहा है फोर एप्सिलॉन नॉट एक्स, इक्वेशन नंबर वन ये आ रहा है, तो हमें अप्लाई करना है वॉल्यूम इंटीग्रल, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू बन रहा है ट्रिपल इंटीग्रल, ओके, ट्रिपल इंटीग्रल फोर एप्सिलॉन नॉट एक्स, व्हाट इज द एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, डी एक्स डी वाई डी जेड, लिमिट कहां से कहां तक होगी बता रखिए, लिमिट जीरो से वन, जीरो से वन, जीरो से वन, ओके, कितना आंसर, which answer yaar 4 epsilon not x square by 2 2 se 2 cancel, ye epsilon not do bar kaise aa raha hai, electric field ka value divergence of ye bana, to isme epsilon not aana hi aana hai,
दो एप्सिलॉन नॉट आ रहे ना, दो एप्सिलॉन नॉट आ रहे हैं ना, कितना बन रहा है ये आंसर, टू एप्सिलॉन नॉट है ना, दो एप्सिलॉन नॉट बन रहा है, तो दो टू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा इस हिसाब से। तो कौन सा आंसर सबसे बेहतर है, विच आंसर इज बेस्ट, इसका मतलब यहां पर एप्सिलॉन नॉट नहीं होना चाहिए ना, यहां नहीं होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट को, अब ठीक हो जाएगा ना, अगर वहां से हम एप्सिलॉन नॉट को हटा दें तो सही हो जाएगा शायद, ओके। तो एक काम करो, आप यहां से एप्सिलॉन नॉट हटा दो, आप यहां से भी एप्सिलॉन नॉट को हटा दो, और इसको कितना ले लो, 4x, ओके। सो यहां से भी आप हटा दो, इसको 4x लेके सॉल्व कर लो, ओके। तो अब ये 2 आ गया, इंप्लाइज दैट चार्ज कितना आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट कूलम, कूलम है, कूलम ये सी कैपिटल सी मतलब कूलम, विच आंसर इज करेक्ट, ए, ओके। तो फील्ड में से मैंने एप्सिलॉन नॉट को हटा दिया, ली रिमूव एप्सिलॉन नॉट, ओके। 43 हो गया, चलो अब मैंने प्लेस कर दिया, तो कौन सा है स्ट्रेट वायर के लिए 1/r, ज्यादा कुछ है भी नहीं, ओके। अब कौन सा करना है, 41 हो गया, यस, 42 भी हो गया है, 43 करना है, यस, ओके। कर लीजिए जरा उसको, करिए। सो यहां पर चार शीट दी हुई है, देयर आर 4 शीट, ओके। तो उसमें उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आप एक एक शीट का फील्ड जानते होंगे अलग अलग, ओके। तो सबका क्या करना है, एक एक का निकालकर और सुपर इम्पोजिशन करना है, नथिंग एल्स, ओके। तो मैं 1/1 कर रहा हूं, ओके। जरा देखिए, मैं सबसे पहले इस शीट को ले रहा हूं, ओके। I am taking this sheet first, okay। तो ये जो first sheet है यहाँ पर, ठीक है, तो ये इस sheet का जो electric field होगा वो किधर होगा, इस sheet का जो electric field होगा, ठीक है, वो इस तरफ होगा, मतलब ऐसे समझो जैसे ये है मान लिया sheet, okay। तो इस तरफ field किधर होगा, अगर ये positive charge density रखती है तो, if this contains positive charge density, तो इस जोन में, इस जोन में फील्ड किधर होगा, राइट साइड में जो फील्ड होगा वो ऐसे होगा अवे फ्रॉम इट, और लेफ्ट साइड में जो फील्ड होगा वो भी अवे होगा ऐसे कर। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस, कि जो शीट का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो अवे होता है, यहां पर शीट अगर रख रहे हो आप, ये शीट अगर रख रहे हो आप, तो इसका फील्ड इस तरफ इधर होगा, इस तरफ इधर होगा, और मैग्नीट्यूड कितना होगा,
मैग्नीट्यूड जो होगा वो सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट होगा, डायरेक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी। ओके, तो पहली शीट को कंसिडर करते हैं, पहली शीट, तो इस शीट के राइट साइड में यानी कि प्लस एक्स की तरफ फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहली शीट का फील्ड लगा रहा हूं मैं, ऐसे होगी पूरे राइट साइड में, ऐसे ही होगी कहीं तक भी चले जाओ आप। ओके, इसके लेफ्ट साइड में फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। ये एरोस किसके फील्ड के हैं, दीज आर द एरोस ऑफ फील्ड्स ऑफ फर्स्ट शीट। ठीक है, पहली शीट के फील्ड के होंगे। ओके, पहली शीट के फील्ड के एरोज इस तरह के होंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट शीट पर चलो। नेक्स्ट शीट सेकेंड, सेकेंड इज नेगेटिव। नेगेटिव का कैसा होता है, इफ आई टेक अ शीट ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, इसकी तरफ होंगी इस तरफ से भी, इसकी तरफ होंगी इस तरफ से। ओके, ये किसके डायरेक्शन शो कर रहा है, फील्ड स्ट्रेंथ इज सेम। आप बताइए, नेक्स्ट मैं नेगेटिव का लगा रहा हूं, कौन सी शीट है नेगेटिव, ये नंबर टू वाली। इसके लिए क्या होगा, इधर से इधर, इधर से इधर, उसकी तरफ एरो उसकी तरफ लगाइए। इसकी तरफ टूवर्ड्स से, ये जो ब्लू आप देख रहे हैं नंबर टू पर वो किसका है, ठीक है, इट इज फोर दिस माइनस सिक्स। ओके, नेक्स्ट यहां आइए, तीसरे नंबर की शीट, तीसरे नंबर की शीट ये वाली, इसको मैं ऐसे कर देता हूं जिससे आपको पहचान रहेगी। ब्लू वाले एरोस किसके हैं, फर्स्ट के, सेकंड के, रेड वाले फर्स्ट के, थर्ड वाला है येलो। ओके, तो इसका फील कैसा होगा, प्लस है, अवे अवे, इधर भी अवे, इधर भी अवे, इधर भी अवे, ये किसके हो गए, इसके। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, फोर्थ इज नेगेटिव, नेगेटिव का क्या होगा, टूवर्ड्स, इधर से भी टूवर्ड्स, 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 टूवर्ड्स। ओके, ये चार हमारे फील्ड होंगे। अब निकालिए आप ई फर्स्ट, ई सेकेंड, ई थर्ड। ई फर्स्ट सबका मैग्नीट्यूड कितना है, सभी फील्ड्स का मैग्नीट्यूड, सभी फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सभी फील्ड। ओके, सभी फील्ड्स का मैग्नीट्यूड इतना है। ओके, अब जो यहां पर आप देखिए सुपर पोजिशन करना है हमें, तो आप इन सब का सुपर पोजिशन कर दीजिए। आप देख रहे हैं इसका एरो इधर, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, सबका स्ट्रेंथ कितना है, सभी फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो है सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, सभी फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है, तो कितना हो जाएगा आंसर, सम जीरो। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ई फर्स्ट, फर्स्ट जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो है। सेकेंड जोन में जाइए, सेकेंड जोन में जाइए,
ठीक है, सेकेंड जोन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बताइए। सम करिए जरा सबको, सेकेंड जोन में जब जाएंगे तो यू विल सी दैट दिस एरो इज इन दिस डायरेक्शन, दिस एरो इज इन दिस डायरेक्शन, दोनों सम हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, और सेकेंड जोन में ये वाला एरो और ये वाला एरो कैंसिल हो रहे हैं। कितने इफेक्टिव एरो बच रहे हैं? दो। दो का मतलब क्या हुआ? दो इफेक्टिव एरोज का मतलब क्या हुआ? दो एरो का मतलब हुआ कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा फील्ड, दोनों का सम हो गया। किस डायरेक्शन में? एरो इज टुवर्ड्स राइट, तो फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? ये कौन सी डायरेक्शन है? ये वाली एक्स। ओके, तो इतना हो गया ई थर्ड। थर्ड जोन में फील्ड कितना होगा? थर्ड जोन में फील्ड, थर्ड जोन में जो फील्ड होगा वो होगा ये, थर्ड जोन में ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है और ये इस तरफ, ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो आई थिंक ये बनेगा जीरो, थर्ड में जीरो। ओके, आ जाइए आप फोर्थ में, फोर्थ में देखते हैं, फोर्थ में ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, दोनों कैंसिल हो गए आपस में, ये दोनों आपस में ऐड हो गए, ऐड किस तरफ हो रहे हैं? वो प्लस एक्स। ओके, तो फोर्थ में सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, फिफ्थ में देखते हैं, फिफ्थ में देख लेते हैं अभी, ये इस तरफ कैंसिल, ये इस तरफ कैंसिल, तो फिफ्थ में जीरो है, फोर्थ में है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट प्लस एक्स में, एंड फिफ्थ में कितना है? जीरो। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? फिफ्थ में ये आंसर सही है, ए। ओके, आई होप इट इज अंडरस्टैंड टू यू। इसमें लिखा हुआ थ्री इनफाइनाइट प्लेन शीट्स कैरिंग अ यूनिफॉर्म लाइन चार्ज डेंसिटी, नहीं सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, ठीक है। So, कहाँ कहाँ रखी है? शीट रखी है एक माइनस सिग्मा, वाई इक्वल टू ए, इसका मतलब वाई डायरेक्शन किधर होगी? वाई डायरेक्शन शुड बी दिस, ये y होना चाहिए, तो ये y के कितनी वैल्यू पर है? a पर। y इक्वल्स टू 3a पर कौन है? चार्ज डेंसिटी प्लस 2 सिग्मा, एंड नेक्स्ट क्या है? y इक्वल्स टू 4a, 4a पर कौन है? प्लस 3 सिग्मा। ओके, आपसे फील्ड कहां पूछा जा रहा है? 2a, 0 2a 0, कहां मिलेगी ये पोजीशन? ये 3a है तो a और 3a के बीच में मिलेगी, यहां
ये पोजीशन कौन सी पोजीशन है? दिस पोजीशन इज 02A, 02A, जीरो पोजीशन। अब फील लगा लेते, एक काम करता हूं मैं, इसको डिफरेंट से लिख देता हूं। ये कौन सा चार्ज है? प्लस टू शीट में। हाँ तो फील लाइन दिखाते हैं किसकी? सबसे पहले फर्स्ट शीट की, इसकी इसकी फील लाइन कैसे होगी? टूवर्ड्स, क्योंकि नेगेटिव है, टूवर्ड्स टूवर्ड्स टूवर्ड्स। ये वाला प्लस सिग्मा, प्लस टू सिग्मा वाला फील का डायरेक्शन क्या होगा? स्ट्रेंथ बाद में देख लेंगे, डायरेक्शन देख लेते पहले। इसका डायरेक्शन इसकी तरफ, इससे अवे होगा क्योंकि पॉजिटिव है, अवे अवे, इधर भी अवे, इधर भी अवे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन है? प्लस थ्री सिग्मा, प्लस थ्री सिग्मा के लिए क्या होगा? अवे 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 एंड अवे। तो ये फील के मैंने आपको डायरेक्शन शो कर दिए, स्ट्रेंथ सबका अलग अलग होगा। ओके तो ये जो ये वाला जो जोन है, ओके ये वाला जोन जहां आपको फील निकालना है, उसमें आप देखो तीनों फील का एरो एक ही तरफ है, ई पी, तीनों फील्ड्स का एरो एक ही तरफ है, और वो किस तरफ है? माइनस वाई डायरेक्शन में। तीनों फील्ड्स का एरो, ठीक है, माइनस वाई डायरेक्शन में है। ओके तो यहां पर क्या होगा? जो प्लस टू सिग्मा वाला है, ओके सॉरी प्लस सिग्मा, जो माइनस सिग्मा वाला है, उसका फील का स्ट्रेंथ कितना होगा? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में? माइनस वाई में। ये मैंने किसका वाला लिखा? इसका वाला। फिर उससे नेक्स्ट टू सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में है? माइनस वाई में। प्लस फिर कितना है? थ्री सिग्मा डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट किस डायरेक्शन में है? माइनस वाई में। आप देख सकते हैं तीनों फील्ड एक ही तरफ पॉइंट कर रहे हैं, देख this this all are pointing in the same direction. So net field kitna hoga dekh lo zara, denominator is same, so ye ho gaya 2 plus 1 3 3 3 6 6 ka aadha 3 3 sigma by epsilon not along what direction? Minus y. This is the answer. तो कौन सा सही है? बी। ओके ये हो गया सुपर पोजिशन प्रिंसिपल वी हैव यूज्ड। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल का मतलब होता है ठीक है Two large non-conducting sheets, okay, two large non-conducting sheets carrying these much charge densities, between the sheets निकाल रहा हूँ, दोनों की charge density अलग अलग है, तो इस
तरह का सिचुएशन है? एक है सिग्मा प्लस, एक है सिग्मा माइनस, ओके, बिटवीन द शीट्स, ओके, बिटवीन द शीट्स के लिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, ओके. तो अगर हम फील्ड लाइन शो क्या करें तो इस माइनस वाले का फील्ड लाइन कैसा होगा? इसकी तरफ होगा, ओके, इसकी तरफ होगा. ग्रीन एरो मतलब नेगेटिव वाले का है, रेड मतलब प्लस, पॉजिटिव है, अवे होगा, अवे होगा, अवे होगा. तो आप देख सकते हैं बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एडिंग अप और सब्ट्रैक्टिंग. यहां पर जो फील्ड है वो एड हो रहा है, ठीक है. तो नेट फील्ड कितना होगा बिटवीन द प्लेट्स? होगा सिग्मा पाई, सिग्मा प्लस डिवाइडेड बाय दिस, ओके, सिग्मा माइनस डिवाइडेड बाय दिस, ओके. किस डायरेक्शन में होगा? अगर ये है तो किस डायरेक्शन में होगा ये? सॉरी, ये टू होगा प्लस एक्स. सो पुट द वैल्यूज यू विल गेट द आंसर. सो कितना कितना हो जाएगा? कॉमन डिनोमिनेटर ले लो, सो कॉमन ले लो, टू एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा? 6.8 प्लस 4.3, ओके, इनटू माइक्रो है क्योंकि माइनस का 6 एक्स का, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करो, ओके, कितना हो गया? 11 इसको सॉल्व कर लो, आंसर न्यूटन पर कूलम में आएगा. तो कौन सा आएगा देख लो, 6 ऊपर हो जाएगा. कितना आया? 8 ठीक है. सो आंसर आएगा 6.3 टेन टू द पावर 5. ओके, नेक्स्ट 46 हमने कर लिया है. अब जो 47 है तो ध्यान दीजिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन सिलिंड्रिकल शेल हैज इट्स एक्सिस कॉइंसाइडिंग विद जेड एक्सिस, इट कैरीज
a surface charge density sigma cos phi ये ठीक जरा समझिए मैं एक होलो सिलेंडर ले लेता हूं मॉल ये भी सिलेक्टर ओके ये रेडियस हाइट वगैरह तो सब पता है ये कोई सिलेंडर होलो है इसके सरफेस पर ही चार्ज रह सकता है ओके इसके सरफेस पर ही चार्ज रह सकता है तो इसकी एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं ये जो लाइन है विच इज क्रॉसिंग थ्रू ओके ये इसकी एक्सिस है ये है जेड एक्सिस ओके अब ये क्या कह रहे हैं कि इसके सरफेस पर जो चार्ज डेंसिटी है फाइ डिपेंडेंट है चार्ज डेंसिटी क्या है फाइ डिपेंडेंट ओके ये यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है इट इज नॉन यूनिफॉर्म अगर ये यूनिफॉर्मली चार्ज हो तब क्या होगा इफ वी हैव अ यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल शेल ठीक है यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंड्रिकल शेल मतलब ये हो अगर सिर्फ इतना हो देन कैन यू टेल मी देन गॉस लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं देन बताइए देन गॉस लॉ इज applicable Gauss law is useful to calculate E है ना useful to calculate E E को calculation करने के लिए E useful है and E inside कितना होगा बता सकते हो आप मुझे E inside कितना होगा यूनिफॉर्मली चार्ज सिलेंडर अगर होता मान लिया इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती प्लस सिग्मा होती सिग्मा नॉट ओके और आप अंदर एक गॉसियन सरफेस लेकर कैलकुलेशन कर रहे होते तो आप कितना चार्ज एनक्लोज करा रहे होते इसमें
बोलिए, आप कह रहे होते इसके अंदर जीरो चार्ज एनक्लोज्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता? ये जीरो क्यों है? सिंस क्यू एनक्लोज्ड का वैल्यू जीरो होता, बट वो किसके लिए वैलिड है? ओनली फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। बट हियर चार्ज डेंसिटी क्या है? कॉस फाई। ओके, इट इज कॉस फाई। क्या आप जीरो एक्सपेक्ट करते हैं आप इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होगा? इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। सिंस, तो यहां लिखता हूं मैं हियर सिग्मा इज सिग्मा जीरो कॉस फाई। अब मैंने कहा था जब भी चार्ज डेंसिटी फाई या थीटा डिपेंडेंट होगी, ठीक है, देन गॉस लॉ इज नॉट यूजफुल, यूजफुल टू कैलकुलेट ई। अब आप वो वाला मेथड नहीं लगा सकते, अब आप वो वाला मेथड नहीं लगा सकते Q enclosed वाला, ओके, क्योंकि phi डिपेंडेंट है ये, ओके? तो अब आप बता सकते हैं अगर मैं सिलेंडर के चार हिस्से कर दूं, if I make four parts of this cylinder, तो कैसे कैसे चार्ज होंगे फोर पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, फिर मैं कैलकुलेशन बताऊंगा। मैं कह रहा हूं अगर मैं इसके चार हिस्से कर दूं कैसे, ये मेरा x हो गया, ओके, ये मेरा y हो गया, ओके, क्लियर। तो आप देख सकते हैं देयर आर फोर पार्ट्स ऑफ दिस सिलेंडर नाउ, ओके। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला जो प्लस x से प्लस y वाला होगा, ये वाला हिस्सा, ये cos phi है ना, चूंकि cos phi है ना, तो कैसा चार्ज होगा वो? पॉजिटिवली चार्ज, ठीक। नाउ गो बिहाइंड हियर, ये वाला हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट है, कैसा चार्ज होगा? कॉस फाई कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में? नेगेटिव होता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये कौन सा है? दिस पार्ट, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? कॉस नेगेटिव, ओके। एंड नाउ कम टू द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में शायद कॉस क्या होता है? पॉजिटिव है ना। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। What do you expect? कि इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अब x अंदर या नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर वुड बी जीरो और नॉन जीरो? ऐसा क्वेश्चन हमने रिंग के लिए भी किया था। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है तो उसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? याद है आपको कुछ? यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, बट अगर नॉन यूनिफॉर्मली चार्ज डिपेंड वो हो रिंग, तब उसका जीरो नहीं होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। अभी फील्ड जीरो आएगा, नॉन जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी नॉन जीरो। कितना नॉन जीरो वो मैं अब करूंगा इसको। तो जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो क्या करते हैं हम? व्हाट वी डू व्हेन एवर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स, वी ट्राई टू सॉल्व इट बाई यूजिंग कूलॉम्स लॉ, ओके। वी ट्राई टू सॉल्व इट बाय यूजिंग कूलॉम्स लॉ, ओके, ठीक है। कूलॉम्स लॉ में हम क्या करते हैं, ठीक है, व्हाट वी डू इन द कूलॉम्स लॉ, ठीक है, हम एक एलिमेंट चूज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एलिमेंट चूज करने की कोशिश करते हैं। तो एलिमेंट कैसा चूज करेंगे? एक ऐसा एलिमेंट चूज कर लीजिए
एक ऐसा एलिमेंट चूज कर लीजिए आप। Why I have chosen this? मैंने इसको ऐसा क्यों चूज किया है? ये मैंने चूज किया है एलिमेंट। क्योंकि जो फील्ड है, ये जो चार्ज है, उसका वेरिएशन किसके साथ है? जो चार्ज है उसका वेरिएशन किसके साथ है? उसका जो वेरिएशन है वो फाई के साथ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। ओके, तो व्हाट आई डू इज, मैं इसका जो है एक यहां से बनाता हूं। ओके, ये इसमें को मैंने एक लाइन बनाई और ये एक्स एक्सिस है, तो कितना एंगल होगा इसका इसके साथ, ये जो स्ट्रिप बन रही है, ये होगा फाइव। ओके, तो अब इसका जो फील्ड होगा वो कितना होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आप ना एक काम करिए, एक्सिस पर निकाल लीजिए कि एक्सिस कितना दूर है यहां से। लेट हम मान लेते हैं सिलेंडर की रेडियस कितनी है, लेट लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज आर, देन जो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डीई इज इक्वल्स टू डी क्यू डिवाइड 4570, कितना आर स्क्वायर आप जानते हैं किसी पॉइंट का। ओके, अब हमारे पास क्या है, जो चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा फॉर्म में है। ओके, तो अब ये जो ऐसा होता है, ऐसा ये वायर टाइप का है ना, ये जो स्ट्रिप है वो किस टाइप की है, वायर टाइप की। ओके, तो वायर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वायर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो आप, इसको छोड़ो, ये तो पॉइंट टाइप का है। ओके, वायर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड, वायर टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वायर टाइप का, वायर जो होता है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप का होता है, आप जानते होंगे 4πε0 r, r डिस्टेंस पर इतना फील्ड होता है, किसका, इनफाइनाइट वायर का, इनफाइनाइट सिलेंडर है ना ये, तो उसमें इनफाइनाइट स्ट्रिप बनी वायर टाइप की, तो ये हो गया। तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, डी लैम्डा। ओके, अब मुझे लैम्डा और सिग्मा का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ओके, तो आप जानते हैं लैम्डा और सिग्मा में क्या रिलेशन होता है, भाई क्यू क्या होता है, क्यू ऐसे होता है ना, देखो ऐसे समझो आप, लैम्डा क्या होता है, क्यू बाय एल। ओके, एंड सिग्मा क्या होता है, क्यू बाय एरिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इन दोनों को मैं मिला दूं। ओके, सो लैम्डा इक्वल्स टू हो गया, ठीक है, सिग्मा इंटू एल। ओके, सिग्मा इंटू लेंथ, एक लेंथ एक्स्ट्रा हुई ना। ओके, क्योंकि यहां पर क्या है, क्यू इक्वल्स टू लैम्डा एल एंड दिस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तो सिग्मा, क्योंकि चार, इसका यूनिट क्या है, आप देख सकते हैं इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है कूलम्ब पर मीटर, इसका यूनिट क्या है, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे एक लेंथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू मेक इट कूलम्ब मीटर। ओके, अब ये कौन सी लेंथ होगी, ओके, ये कौन सी लेंथ होगी, ये मुझे देखना होगा। ये लेंथ पता है कौन सी लेंथ होगी, ये होगी एल फाई लेंथ। ये कौन सी लेंथ होगी, एल फाई। ओके, क्योंकि आप देखिए यहां पर जरा, जब मैं इस चैटल चार्ट से क्यू निकालता तो इसमें
सिग्मा के लिए दो वेरिएबल है, कौन कौन से? इसका जो एरिया है ये वाला एरिया, ओके, ये वाला जो एरिया है, एरिया जो है ये किस किस का प्रोडक्ट है? इट इज प्रोडक्ट ऑफ एल फाई एंड प्रोडक्ट ऑफ एल जेड सिलेंडर के लिए, क्योंकि इस पर क्या क्या कॉन्स्टेंट है? ओवर इट जेड इज ओवर इट आर इज कॉन्स्टेंट, तो आर नहीं आएगा, तो क्या क्या आएगा? फाई एंड जेड, ओके, फाई एंड जेड. तो आप देख रहे हैं जो लैम्डा होगा, ओके, उसकी लेंथ किसकी टर्म्स में होगी? लैम्डा की जो लेंथ होगी वो ऐसे होगी, ओके, लैम्डा की जो लेंथ होगी वो ऐसे होगी, तो क्या होगा? लैम्डा की जो लेंथ होगी वो ऐसे होगी इस तरह जेड डायरेक्शन में, लैम्डा की जो लेंथ होगी वो जेड डायरेक्शन में होगी, तो क्या बचता है भाई? अगर आप लैम्डा डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? सिंपल सी बात है, लैम्डा डिफाइन करोगे तो क्यू बाय एल जेड डिफाइन करोगे, या क्यू बाय मतलब यहां पर ये कौन सी लेंथ होगी अगर मैं, तो एल जेड होगी, ओके, और इसमें कौन कौन आएगा भाई? जब मैं एरिया लिखूंगा तो इसमें एरिया में कौन कौन आएगा? एल जेड आएगा और एल फाई आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट नाउ, ओके. तो लैम्डा ये हो गया एल फाई, तो यहां पर डीई किसके बराबर हो गया? डीई हो गया डी लैम्डा, ओके, डी लैम्डा, ओके, डी लैम्डा का वैल्यू क्या होगा? सिग्मा डी एल फाई डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ये होगा डी एल फाई. सिग्मा का वैल्यू कितना है? सिग्मा नॉट कॉस फाई, ये वैल्यू है सिग्मा का. तो डीई कितना हो गया हमारा? डीई का वैल्यू हुआ सिग्मा नॉट कॉस फाई डिवाइडेड बाय 4 pi epsilon naught r डी एल फाई. अब डी एल फाई क्या होता है? You know what is DL phi? DL phi होता है R D phi. जो length element होता है ये वाला, ये हो गया R D phi. तो ये हमारा differential electric field हो गया, equation number हो गया हमारा what? One. तो मैंने lambda को sigma में change कर लिया, R से R cancel हो जाएगा. अब बात आती है, देखो यहाँ पर एक और चीज है यहाँ पर, what is it? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कैसे जाएंगी? देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, ऐसे यहां से बनाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी, हूं ऐसे. ये डीई है तो कितने पार्ट्स में ब्रेक होगा भाई? यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जब ऐसे जाएगा, ओके, तो वो किस किस पार्ट पे ब्रेक होगा? ऐसे है यहां पर आप देख रहे हो, ओके, तो ये जो ये जब यहां से कोई वेक्टर जाएगा वहां पर, ठीक है, तो ये कितना कितना एंगल बनाएगा? ठीक है, ये बनाएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा डीई एक्स. डीई एक्स क्या होगा? डीई का कॉस फाई, क्योंकि फाई एंगल एक्स से बन रहा है, और एक दूसरा क्या होगा? डीई वाई, डीई का साइन फाई. ओके, दो कंपोनेंट बनेंगे, डीई कॉस फाई एंड डीई साइन फाई. ओके, तो जब हम निकालेंगे क्या ई एक्स, ई एक्स इज क्या होगा? डीई एक्स माइनस एक्स. माइनस एक्स क्यों? क्यों माइनस एक्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड. आप देख रहे हैं ये प्लस एक्स है, ओके, तो जब हम क्या लेंगे, इस तरफ लेंगे कंपोनेंट, ठीक है, ये आप आई होप समझ पा रहे होंगे. यहां से समझो, जरा ऊपर से दिखा रहा हूं, इसको चाहे मिटा दो आप, ओके, ऊपर से देखो, यहां से जब ये फील्ड जाएगा ऐसे करके ही, है ना, इसका तो ये क्या बनेगा? ये डीई है, ओके, इट इज डीई, इट इज डीई, ओके, डीई. तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना है? दिस एंगल इज फाई, सो दिस एंगल वुड, ये वाला एक्स से बन रहा है, तो यहां से एंगल भी फाई बनेगा, बट ये कौन सी डायरेक्शन होगी? ये होगी माइनस एक्स, और ये कौन सी डायरेक्शन होगी? माइनस वाई.
ओके माइनस एक्स माइनस वाई, तो एक ये वाला एंगल जो है वो किस मतलब फाइ एंगल किससे बनेगा, फाइ एंगल विल बी विद रिस्पेक्ट टू, ये एंगल फाइ होगा ये वाला, ओके इसके साथ होगा, और इसके दो कंपोनेंट आएंगे किस डायरेक्शन में, एक माइनस एक्स में और एक माइनस वाई में, तो ई वाई कितना होगा, ई वाई होगा वेक्टर फॉर्म में डी ई वाई माइनस वाई, ओके तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ओके सो कितना होगा ई एक्स इंटीग्रल, आई नो दैट कि आपका टाइम हो गया है बट एक मिनट बस गिव मी अ मिनट, ठीक है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा नॉट कॉस स्क्वायर फाइव डी फाइव डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, किस डायरेक्शन में माइनस एक्स में, लिमिट क्या होगी फाइव की पूरी होगी जीरो से टू पाई, इसको आप सॉल्व करेंगे, ओके आर से आर कैंसिल हो गया इसलिए नीचे फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ही आ रहा है बस, ओके और एक होगा ई वाई, वो क्या होगा जीरो से टू पाई सिग्मा नॉट कॉस फाई साइन फाई डी फाई डिवाइडेड बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस वन, ये तो जीरो आएगा इसका तो मुझे पता लग गया, अब उसको निकाल लो आप कितना आएगा, कॉस स्क्वायर फाई का कितना इंटीग्रल आएगा ये चेक कर लो आप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मुझे बता दो, कॉस स्क्वायर फाई का इंटीग्रल कितना है ये बता रहा जरा, पाई पाई आ रहा पक्का सिग्मा जीरो बाय फोर पाई यस लास्ट ऑप्शन टू पाई आ रहा है आंसर, मतलब इसका कॉस स्क्वायर पाई का इंटीग्रल क्या पाई आ रहा है ये देख लो, टू पाई आ रहा है तो आंसर फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आएगा, अगर टू पाई आ रहा होगा तो टू एप्सिलॉन नॉट आएगा, देख लो आप भाई, ओके कॉस स्क्वायर फोर एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसका इंटीग्रल कितना आ रहा है, अगर पाई आ रहा है तो आंसर फिर क्या हुआ, ऑप्शन डी सिग्मा बाय फोर एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये बात ठीक है ये, और वो नेट डायरेक्शन किस में बनेगा माइनस एक्स, ठीक है ये आंसर्स हो गया हमारे, आप और बताओ किसी का कोई डाउट हो, सर ये ना मतलब वायर कैसे लिया, मतलब सरफेस है तो ये सरफेस है तो देखो समझो बात को, सरफेस है तो मैं क्या करता, मैं एक छोटा सा एलिमेंट ऐसे लेता, ऐसे बोलो इसको लेता ना मैं, है ना ऐसे लेता मैं, ओके बट साथ में क्या है, What I need to do is, आप देखिए कि किसके साथ वेरी कर रहा है किसके साथ वेरी नहीं कर रहा है, भाई जो चार्ज डेंसिटी है किसके साथ वेरी कर रहा है, क्या इस डायरेक्शन में जाने पर चार्ज डेंसिटी बदलेगा, मैं ये कह रहा हूं कि इस डायरेक्शन में जाने पर चार्ज डेंसिटी बदल रहा है या नहीं, नहीं बदल रहा है ना, है ना इस डायरेक्शन में जाने पर चार्ज डेंसिटी नहीं बदल रही है, ओके तो क्या होगा, जब चार्ज डेंसिटी नहीं बदल रही है इस डायरेक्शन में जाने पर तो स्ट्रिप ले सकते हो आप या नहीं, क्योंकि चार्ज डेंसिटी का वेरिएशन किसके साथ नहीं है, इस डायरेक्शन के साथ चार्ज डेंसिटी का कोई वेरिएशन नहीं है जेड के साथ, ठीक है तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको सिमेट्रिक ले सकते हैं इसको ऐसे,
ओके, और किसके साथ इंटीग्रल परफॉर्म कर सकते हैं? घूमने वाले एंगल के साथ, फाई के साथ, ठीक है। तो मैंने इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लेने की बजाय मैंने एक लंबा सा एलिमेंट ले लिया, ओके। अगर मान लिया चार्ज डेंसिटी दो जेड के साथ भी वैरी करती, अगर मान लिया ये चार्ज डेंसिटी फाई के साथ साथ जेड भी वैरी कर रहा होता तो क्या होता? क्या मैं इसको ऐसे वायर ले सकता था? नहीं, तब मुझे छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ता, तब मुझे दो इंटीग्रल परफॉर्म करने पड़ते। क्या क्या? एक तो जेड के रेस्पेक्ट में और दूसरा फाई के रेस्पेक्ट। सर आपने जो एलिमेंट लिया है, जो सामने वाले फेस पे लिया है, हाँ हाँ, अगर इसके जस्ट अपोजिट फेस पे ले लेते तो तो ये जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन तो पॉजिटिव साइड में आ जाता था। नहीं नहीं नहीं, आप बात को समझो। आप हमेशा एलिमेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में लोगे या थर्ड में लोगे जाकर, बताओ आप? सर इजी तो जो है फर्स्ट में लेने भी पड़ेगा क्योंकि सामने है। इजी की बात इजी की नहीं है, ओके। जितने भी ये जितने भी ये होते हैं, ओके, कॉस फाई हो, साइन फाई हो, टेन फाई हो, ओके, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लोगे। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपनी पॉजिटिव वैल्यू देते हैं, ओके। अगर आप यहाँ जाओगे, यहाँ, तो आपको कॉस फाई अलग तरह का दिखेगा, साइन फाई अलग तरह का दिखेगा, टेन फाई अलग तरह का दिखेगा, नहीं। आप थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे करोगे कैलकुलेशन, आप बताओ भाई? ये अपने जो फाई एंगल के अंदर, ये अपने हिसाब से अपना वैल्यू चेंज कर लेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना चाहिए हमेशा, थर्ड में नहीं। थर्ड में लोगे तब भी डायरेक्शन उधर ही आएगी, क्यों? क्योंकि इस पर देखो चार्ज, देख रहे थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है? कैन यू सी दैट के थर्ड क्वाड्रेंट में चार्ज कैसा है? देखो नेगेटिव है, पॉजिटिव है? पॉजिटिव है। अरे भाई थर्ड क्वाड्रेंट यहाँ नेगेटिव, तो उसकी तरफ होगा फील्ड या उसके अवे होगा, ऐसे होगा या तो फील्ड का डायरेक्शन थोड़ी ना बदल जाएगा उससे? सर सर अगर चार्ज डेंसिटी सिग्मा नॉट कॉस फाई और कॉस थीटा या साइन थीटा साथ में दी होती सर, फिर हमें एलिमेंट सर किस तरह लेना होता सर? नहीं नहीं सुनो, सिलेंडर में थीटा नहीं आता है, ओके। सिलेंडर में जो वेरिएशन होता है वो फाई ही होता है, ओके। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता था? जेड, जेड, हाँ। स्फेरिक, आप समझिए ना, इसमें थीटा नहीं होता है, थीटा 90 रहता है हमेशा, है ना? इसमें जो थीटा है वो हमेशा 90 रहता है, ओके। नो थीटा वेरिएशन, ओनली फाई वेरिएशन सिलेंडर में, ओके। सर ये जो टॉप बेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है क्या? टॉप बेस के ऊपर सिलेंडर का टॉप इनफाइनाइट है, ये देखो ना, आप इनफाइनाइट है, ओके। इनफाइनाइट है तो ये कभी आएगा क्या? इट विल नेवर अप्रोच, इट विल नेवर रीच, ओके। तो इसलिए पूरा, ओके ओके फाइन, है ना? और एक बात और, आई थिंक इन्होंने होलो कहा है, होलो नहीं कहा है, ओके। तो वैसे भी पता है क्या, अगर लॉन्ग सिलेंडर ले रहे हो, यहाँ पर सेल है सर, शेल है, शेल है, तो शेल का मतलब क्या है? यहाँ तो होगा ही नहीं ना कुछ। शेल का मतलब क्या होता है? सिलेंडर का शेल का मतलब यहाँ कुछ नहीं होगा, होलो ही है, मतलब हाँ, यानी कि आप ऐसे समझो जैसे जैसे ग्लास होता है ना, ग्लास, ओके, ये सर, ग्लास में जो ऊपर का सरफेस होता है ना, जो किधर से हम पानी पीते हैं, वैसा रहेगा, ओके। ऐसा नहीं रहेगा जैसा नीचे जो जो बॉटम होता है ना ग्लास का, वैसा नहीं, ओके ओके सर। खुला रहेगा ना सिलेंडर का शेल, तो इस तरफ से खुला रहेगा, इस तरफ से भी खुला रहेगा, सर। ये फाइनाइट हो तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते ना? अगर फाइनाइट होगा ना, अगर फाइनाइट होगा, ओके, तो इसमें जो आप ये वाला जो स्ट्रिप लिया था ना मैंने, वैसे लेके नहीं कर सकते। आपको क्या लेना होगा? ऐसा एलिमेंट, ऐसा जो मैंने ये बनाया ना रेड कलर में, ये ऐसा वैसा लेके करना पड़ेगा। सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड करना। अच्छा सर, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपने लिया है तो यहाँ पे तो 2 पाई एप्सिलॉन आ रहा है सर, वायर लाइक के लिए तो सर 4 पाई एप्सिलॉन क्यों आ रहा है? बिल्कुल सही, रुक जाओ मैं इसको सही कर देता हूँ, और अंतर भी आएगा। यस सही आपने किया, मैंने इसको गलत लिख दिया,
ये वायर लाइक वाला जो होता है ना, इंफिनिट वायर लाइक, उसमें यहाँ क्या होता है? ओके और कहाँ चेंजेस करने हैं मुझे? फिर किसी टू हो जाएगा सर, ब्रेक हाँ है ना, और ये टू एप्सिलॉन हो जाएगा सर लास्ट में ऑप्शन। मुझे लग तो रहा था कुछ गड़बड़ है, ओके बट टू टू ओके, यहाँ टू, यहाँ टू, ओके इसको भी बताना पड़ेगा, ये भी बताना पड़ेगा, ये होगा सही आंसर है ना। मेथड वाज करेक्ट बट ये जो था ना, ये टू का फैक्टर गलत हो गया। ठीक है, अब सही है? Yes. ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके ठीक है, फिर तो बाकी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखा देना। ठीक है, ओके सर। ठीक है फिर।